स्वेलिंग गम्स, मसूड़े का सूजना या फिर मसूड़े का फूलना। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या है। कई बार हम जब टूथब्रश करते हैं या फिर हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि हमारे मसूड़े पे जाकर लग जाता है, उसकी वजह से मसूड़े में सूजन आ जाती है, जिसे हम स्वेलिंग गम्स भी कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे होम रेमेडी के बारे में जिससे आप एक ही दिन में सूजे हुए मसूड़े को घर पर ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ लवर में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही चमत्कारी रेमेडी जिससे एक ही दिन में आपका जो मसूड़ा है वो ठीक हो जाएगा, आपको एक ही बार में इसका असर दिखने लगेगा। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। यहाँ पर हमने एक चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है लगभग 1/4 चम्मच हल्दी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक का काम करती है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। दोस्तों, आपको ख्याल रखना है, आपको बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो फूले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर नमक ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पर इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जहाँ पर भी आपको मसूड़ा फूला हुआ है वहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना है। दोस्तों, लगभग 5 से 6 मिनट आप इसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद कुछ देर इसको लगा रहने दीजिए ताकि ये अपना पूरी तरह असर दिखा सके। थोड़ी देर बाद आप जाके अपने मुँह को सिंपल पानी से कुल्ला कर लीजिए और इसको साफ़ कर लीजिए। दोस्तों, आप इसको 2 से 3 बार ही अप्लाई करेंगे तो आपको एक ही दिन में इसका असर दिखने लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। अगर किसी का भी मसूड़ा फूल जाता है तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से काम करती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।